सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ शिव शंकर और आदि शक्ति जग जननी माँ पार्वती को सृष्टि का महानतम युगल माना जाता है। वैदिक कथा के अनुसार शिव और शक्ति एक दूसरे से पृथक नहीं अपितु एक ही हैं। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को रखा जाने वाला हरितालिका तीज भगवान शिव शंकर और आदि शक्ति माँ पार्वती के पुनर्मिलन की स्मृति का पावन प्रतीक है। शिव महापुराण की कथा के अनुसार आदि काल में पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पति महादेव के अपमान से आहत होकर जब माता सती ने हवन कुंड में कूद कर प्राण त्याग दिए थे तो दक्ष यज्ञ के विध्वंस के बाद क्रुद्ध और क्षुब्ध महादेव उनकी निर्जीव देह को कंधे पर लाद कर पूरी धरती पर इधर उधर डोलने लगे। इस दौरान जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बन गए। इधर माँ सती कई जन्म लेकर महादेव को पुनः पति के रूप में पाने के लिए सतत तपस्या करती रही। अंततः 107वें जन्म में पार्वती के रूप में उनकी तपस्या फलीभूत हुई। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार महादेव से पुनर्मिलन के लिए माँ पार्वती ने अपने कठोर व्रत अनुष्ठान का शुभारंभ श्रावण मास के पक्ष की तृतीया यानी कि हरियाली तीज से किया था और भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को महादेव ने साक्षात दर्शन देकर उन्हें अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। ऐसा कहा जाता है कि पर्वतराज हिमालय और महारानी मैनावती अपनी पुत्री पार्वती को इतने कठोर व्रत में संलग्न देखकर बहुत दुखी होते थे। कहीं माता पिता पार्वती का व्रत बीच में ना ही तुड़वा दे, इस आशंका और भय से माँ पार्वती की सखियां जया और विजया वेश बदल कर उनका हरण कर उन्हें घने वन में ले गई ताकि पार्वती अपना अनुष्ठान पूर्ण कर सके। हरितालिका दो शब्दों से मिलकर बना है, हरत और आलिका। हरत का अर्थ है हरण करना और आलिका का अर्थ है सखी। इस कारण ये पर्व हरितालिका तीज के नाम से विख्यात है। कई लोग हरितालिका तीज और हरियाली तीज को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन इन दोनों पर्वों में अंतर है। हरियाली तीज को छोटी तीज और हरितालिका तीज को बड़ी तीज कहा जाता है। मान्यता है कि शिवजी को पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हरियाली तीज से कठोर व्रत की शुरुआत की थी जो हरितालिका तीज पर संपूर्ण हुआ। शुक्रवार को विवाहित स्त्रियों के द्वारा हरितालिका तीज के मौके पर अपने पति के सुखी जीवन के लिए भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा अर्चना की गई। महिलाओं ने बिना जल ग्रहण किए और व्रत किया। स्ट्रीट बज के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, हिंदू धर्म में पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए व्रत किया था, तब से यह चलन में चलता चला आ रहा है हरितालिका तीज व्रत के रूप में। ये सामान्यतः 24 घंटे का यह व्रत होता है। इसमें निराजल महिलाएं व्रत रहती हैं पति की दीर्घायु के लिए। यह व्रत कुंवारी कन्याएं भी रखती हैं मन चाहे वर की प्राप्ति हेतु।